वहाँ देखें इतनी फैंसी मुर्गियाँ, सील मुर्गे, कबूतर ही कबूतर। ये क्रैक आया हुआ है, चूजा निकलने लगा। ये देखें अभी ना हम अपने न्यू वाले सेटअप पे जा रहे हैं, जो उस घर है मतलब उधर बना हुआ है, अभी उधर चलते हैं और जाके आपको मैं दिखाता हूँ। और मैं एक देखे नए सेटअप आए, उधर इतने कबूतर ही कबूतर, चेक करें। सोचेंगे ये किसका सेटअप है, ये मेरे अंकल का सेटअप है। तो इनके पास देखें इतनी फैंसी मुर्गियाँ, सील मुर्गे, कबूतर ही कबूतर। चेक करते हैं किसी ने अंडा तो नहीं दिया हुआ। खाली ओए, एक जन का अंडा आया हुआ है और इस ये क्रैक आया हुआ है, चूजा निकलने लगा। ये देखें इसमें भी लगता है काफ़ी देर जल्दी चूजा निकल जाएगा। इसको रख देते हैं। और तो कहीं नहीं आया, खाली सारे। पर ये लगता है ये जो पिंजरे का बड़ा है, ये ब्लैक एंड वाइट है। ये केला ही है, इसका शायद फीमेल या पता नहीं मेल है। इसका ना मेल उड़ गया हुआ है। बकरी ने बच्चा भी दिया है, आस भी है, तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। हम अपनी मुर्गी को ना उस सेटअप से इधर ले आए हैं, ताकि ये एक मुर्गी ले आए उधर ज़्यादा थी, तो एक हम अपने इस घर वाले रखेंगे। मुर्गी तो हम ले आए, लेकिन ये ब्लैक वाली को हमें पहले बंद करना होगा, क्योंकि ये इसको बहुत मारती है। आ जा बट काफ़ी टाइम लगा के हमने इसको पकड़ लिया, अब बंद करते हैं। मैं इतना चल के आया, उसने इतना दरवाया मुझे। चल अंदर चल, तो अब इसको बंद करते हैं। चल भाई, हमारी मुर्गी आई है। मुर्गा देख के तो अचानक से पागल हो गया, मुर्गी को देख के। भाई तुम्हारी है नहीं लेके जाता, मुर्गी अभी डर रही है। चल नीचे चेक करें, बस भाग ना जाएंगे। नीचे चली जा, ओए नीचे चल, नीचे चल। और दाना वगैरह ये जो है ना, उनको खा के एक बार हमने अपने कबूतर भी बंद कर दी। और हमने सुबह दवाई भी दी थी, ये ठीक नहीं हो रही। इसको पता नहीं क्या मसला है, ये ना ढीली ढीली रह रही है। इसको बस ये है कि इनमें ना बीमारी ले। इसको सुबह दवाई भी दी है, एक पैनाडोल भी दिया है, बस अब ये ठीक हो जाए। वो देखें मुर्गे के काम चेक करें, वो देख पागल हो गया। देख बस ये आप सबने दुआ करनी है कि जल्दी ठीक हो जाए, फिर और भी देखे ना। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अपना सेटअप बांट दूंगा। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बड़ा बड़ा सब्सक्राइब कर दे। अभी देखें ये मुर्गियाँ हो गया, कबूतर अभी तो और भी काफ़ी कुछ आने लगा। अभी रैबिट्स पास रहते हैं, वो मेरा फेवरेट पेट है। उसका यार पहले ना जगह बनानी है, अभी पिंजरा ऊपर उसी उस सेटअप पर वो भी लाना है। फिर कुछ दिन हम रैबिट्स को वो पिंजरे में रखेंगे, फिर उसका जब घर बनाएंगे वहाँ उनको शिफ्ट कर देंगे। और जो उधर वो खून गिरा हुआ है, आप समझ आइए, ये तो इसकी कगली से निकला हुआ है। ये देखिए इसे जख्म हुआ है, और इतनी दौड़ से इसके ये भी सारा बड़ा हुआ है। मैं दिखा नहीं भी सही से, पता नहीं इसको लड़ाई है। बिल्ली आती क्यों रहती है, बिल्ली का मुर्गियों पर नहीं हमला करती। अब पता नहीं क्या हुआ, ये लड़ी है। और ये ना हमारी न्यू मुर्गी को भी काफ़ी मार रही। मैंने अब सोचा इसको भी वो देखा ब्लैक वाला, अच्छा इधर से निकलती है। रुके अभी मैं दोबारा बंद करता हूँ, आगे घंटे लगाते हैं। मुर्गी तो बंद कर दी है, लेकिन मैं अभी कूँ इतने दिन से अंडा क्यों नहीं दे रही मुर्गी, क्योंकि ये एक दी है और चार दिन में, क्या ऐसा तो नहीं हो सकता। ये दे आज पता लगा, ये देखें इधर गिरा टूटा हुआ पड़ा है इसी के बिना। मतलब ये इधर अंडा देती है ना, आज पता नहीं इसने दिया और नीचे ये घर टूटा, और मैं यही समझ रहा था कि और इसने आज अंडा नहीं दिया। और ये मुर्गी चल यार नीचे, ये अभी ना काफ़ी डर रही है उनसे। अभी इसको छोड़ते हैं, चल जा। उसका वज़न भी काफ़ी है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई, या पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल बर्ड फ्लॉग के लिए को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। यार अभी तो इन किसी की भी नहीं बांध रही, पता नहीं क्या हो रहा। अंडे टूट रहे हैं, उसका खून निकल रहा है। अभी ना मुर्गा मुर्गी की बांधी, और ये इसको लैदा मार है। अभी तो फिलहाल ये थोड़े दिन लगेंगे इनको ठीक होने में।